हेलो दोस्तों, आज हम आपको जो है पेस्टिंग करना सिखाएंगे, जिस तरह से जो है अच्छा पेस्टिंग कॉपी होता है। ठीक है, नोटबुक जो है पेस्टिंग करना आप लोग। तो सबसे पहले जो है पहला स्टेप है पेपर को फोल्ड करना। पेपर को किस तरह से फोल्ड किया जाता है ये आप लोग देखिए। इसी तरह से जो है पेपर आपका जितना पन्ने का कॉपी हो उसी हिसाब से आप जो है पन्ना को गिन लीजिए, आप पेपर को फोल्ड कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है कॉपी में पिन मारना। उसके बाद जो है कॉपी में स्टिचिंग होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कॉपी को जो है पलटैया करना, मतलब जितना कॉपी का जो पन्ना होता है ना उसका जो है आधे आधा आप ले लीजिए और उसको पलट दीजिए और तिल्ली मार दीजिए। स्टेप जो है कॉपी में जो है लई लगाना। देखिए किस तरह से लई लग रहा है ये आप लोग देखिए। इसी तरह से जो है कॉपी में जो है लई लगाया जाता है कॉपी के साइड वाले हिस्से में। जिस तरफ का जो मुंह जो है पलटिया होता है ना उसी तरफ जो है कॉपी में लई लगता है। पांचवा स्टेप है कवर चढ़ाना। उसके बाद जो ये छठा स्टेप जो आ जाता है ये कॉपी को जो है आप बराबर कर लीजिए, इसको ठोक दीजिए ताकि जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आगे का काम जो है अच्छे से होगा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। और इसके बाद आता है सातवां स्टेप। सातवां स्टेप में जो है देखिए लकड़ी का जो है एक गुटका लिया जाता है, लकड़ी का जो है तिल्ली लिया जाता है, जिससे जो है इस पर थोड़ा सा जो है मोबिल लगा करके तेल लगा करके जो है उसको कॉपी में जो है रगड़ा जाएगा ताकि जो है कॉपी में जो है स्क्रेच भी ना आए और हमारा स्क्वायर जो है बन जाए, पोर्ट बन जाए कॉपी पे आ जाता है। ये आठवां स्टेप है। ये पेस्टिंग कॉपी बनाने का जो है ये पूरा प्रोसेस है। नोटबुक पेस्टिंग कैसे होता है ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और इसी तरह से जो है कॉपी बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।